हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका चटकारा यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए केले की बिल्कुल नई और यूनिक सब्जी की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे भी आप बनाकर खिलाएंगे वो आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा और साथ ही इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर पूछेगा। तो चलिए इसे हम बनाते हैं, जो बच्चे बूढ़े सभी को बहुत पसंद आएगा और सब उंगलियाँ चाट चाट कर खाएंगे। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड। चलिए इसे हम बनाते हैं। केले की सब्जी बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने केले को छिलकर यहाँ लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसे हम एक बाउल में डालेंगे। इसके साथ ही यहाँ हमने लिया है फ्रेंड्स बेसन, नमक, हल्दी, गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन सभी चीज़ों को हम बाउल में डालेंगे और हल्का सा पानी हम डालेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून। उसके बाद इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जिससे कि बेसन और मसाले केले पर अच्छे से कोट हो जाएं। फ्रेंड्स, आप इस तरीके से केले की सब्जी बनाएं, बहुत ही टेस्टी और चटपटी बन के तैयार होती है। जो भी खाएगा, आप जिसे भी बनाकर खिलाएंगे वो उंगलियां चाटता रह जाएगा और इससे आपकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। बेसन अच्छे से केले पर कोट हो चुका है फ्रेंड्स, अब इसे हम फ्राई करेंगे। केले की सब्जी बहुत से लोगों को नहीं पसंद होती है फ्रेंड्स, इस तरीके से केले की सब्जी बनाकर खिलाइए तो सभी को बहुत पसंद आएगी। जो केला नहीं खाते होंगे वो भी आपसे केले की सब्जी मांग मांग कर खाएंगे। जब तक केले फ्राई हो रहे हैं फ्रेंड्स, तब तक यहाँ हम मसालों का पेस्ट तैयार करेंगे। केले की सब्जी का टेस्ट दोगुना करने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने पीली सरसों ली है, थोड़ी सी काली मिर्च, जीरा, लहसुन, अदरक और इसके साथ ही यहाँ हमने 2 टमाटर लिया है। इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे केले को हमने फ्राई कर लिया है, कितना बढ़िया दिख रहा है ये। अब इसकी हम सब्जी बनाते हैं। यहाँ हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रखा है। सबसे पहले इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। फ्रेंड्स, सरसों के तेल में आप इस रेसिपी को ट्राई करिए, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बन के ये तैयार होती है। तेल गर्म हो चुका है फ्रेंड्स, अब इसमें हम पंचफोरन डालेंगे, इसके साथ ही हींग। हम यहाँ हमने 2 प्याज बारीक काटा हुआ है और 3 से 4 हरी मिर्च है, इसे हम डालेंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है फ्रेंड्स, अब इसमें हम यहाँ जो सरसों और टमाटर का पेस्ट तैयार किया है हमने वो डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर कवर करके भूनेंगे। यहाँ सूखे मसालों में फ्रेंड्स, हमने यहाँ मटन मसाला लिया है, नमक, हल्दी, गरम मसाला, चाट मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो हम कढ़ाई में डालेंगे और इसके साथ ही हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 टेबल स्पून, और इसे मिक्स करते हुए 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे, जिससे कि मसाले अच्छे से भुन जाए। मसाले अच्छे से भुन चुके हैं फ्रेंड्स, ये देखिए इसका कलर कितना बढ़िया दिख रहा है। अब इसमें हम पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए कवर करके हम 5 मिनट पकाएंगे, जिससे कि ग्रेवी अच्छे से पक के तैयार हो जाए। ग्रेवी बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स, अब इसमें हम यहाँ जो हमने केले तैयार किए हैं उसे डालेंगे। सभी केलों को हमने ग्रेवी में डाल दिया है फ्रेंड्स, अभी से हम कवर करके 5 मिनट और पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, जिससे कि सब्जी बिल्कुल बन के तैयार हो जाए। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए फ्रेंड्स और हमें कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। देखिए फ्रेंड्स, सब्जी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। इसका कलर और टेक्सचर देखिए आप, कितना बढ़िया दिख रहा है। जितना बढ़िया ये देखने में लग रहा है, उससे भी बढ़िया ये खाने में भी लगेगा फ्रेंड्स। अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे
सब्जी बनके तैयार हो गई है फ्रेंड्स। अभी से हम सर्विंग बाउल में निकालेंगे। केले की सब्जी को आप इस तरह बनाकर ट्राई करिए फ्रेंड्स, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। अगर मेरे से रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे कि मेरी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू।